देख रहे हैं फोर्थ पीरियड न्यूज। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं विकास भारत संकल्प यात्रा के कैंप लगाया गया वहां पर, और हमारे साथ जिस क्षेत्र में ये कैंप लगाया गया है नगर निगम द्वारा, वहां पे वहां के हमारे यहां पे प्रधान हैं, साथ उनसे बातचीत करते हैं। सर पूरा पढ़ते हैं। मैं ज्ञान चंद सिंह, पार्षद प्रतिनिधि बड़ा लालपुर, वार्ड नंबर 56 जी। आज किस तरह का कार्यक्रम? आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जो भारत सरकार की योजना के लिए है, एक कैंपस के अंदर सभी सुविधाएं अपने जनता को उपलब्ध कराई जा रही है। कड़ी में आज यहाँ पर चौपाल लगाया गया था। किस तरह की सुविधाएं जनता को यहाँ पे आप? जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य के लिए लगाया हुआ था, और समाज कल्याण विभाग आया हुआ था, दूधा के लोग आए हुए थे, और महिला कल्याण विभाग के लोग आए हुए। सभी लोगों ने अपना अपना आयुष्मान कार्ड का भी यहाँ पोर्टल का भी पोर्टल से कार्ड भी बना लिया, और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा समिति योजना का भी यहाँ पर विधवा वृद्धा राशन कार्ड के लिए भी आया था कार्ड की बात की। तो सुबह से काफ़ी भीड़ थी, अभी तो कम हो गई। आज के कार्यक्रम में भी कई लोग आए थे, कौन कौन शामिल हुई जाना? माननीय जिला अधिकारी महोदय थे, नगर आयुक्त महोदय थे, अपर नगर आयुक्त थे, सी डी ओ सर आए हुए थे, खाद्य आपूर्ति अधिकारी भी आए हुए थे। किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो भारत सरकार की एक योजना है, उसकी विकास हो रहा है भारत संकल्प यात्रा। कितना लाभ मिलेगा आपको? काफ़ी लोगों ने लाभान्वित हुआ, बहुत से लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, कुछ लोगों को ऑन स्पॉट यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया गया। हमारे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने भी इसमें भाग लिया था, कॉम्पिटिशन हुआ था, जितने पहले उनको प्रमाण पत्र अधिकारी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया। आपके क्षेत्र के सभी लोग जिनका ये सब जो जिनको सुविधाएं नहीं मिली वो आए हुए हैं यहाँ पर? जी जी, जिनको अभी नहीं मिल पाया था वहाँ से राशन कार्ड हो या पेंशन का, सभी लोग आए। तो ये कैंप जो लगा वो आज के लिए लगा कि आगे भी लगेगा? नहीं, अभी तो एक रजिस्ट्रेशन का लगा हुआ है, फिर उसके बाद हर विभाग अपना अलग से जो रजिस्ट्रेशन किया है वो लाभार्थियों को संपर्क करके पैसे लगेगा। आप देख सकते हैं हमने बात की यहाँ पे पार्षद प्रतिनिधि से, साफ तौर पर उनका यही कहना था विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया। देखिए और यहाँ पे आप लाइन भी देख सकते हैं महिलाओं की लगी हुई है, क्योंकि कब से यहाँ पे लोग भी खड़े हुए हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बन पाया है या आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, उनके लिए भी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। सरकार द्वारा यह यात्रा निकाला गया है, करीबन 45 दिन तक ये यात्रा चलेगा, उसका शुभारंभ भी हुआ है आज। अभी कुछ वक्त पहले जिलाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही बता दें कि काशी के कई जगहों पर इस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाला जा रहा है, और इस तरह से कैंप लगाए जा रहे हैं कि जो भी क्षेत्र के लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको यहाँ पे फायदा मिल सके, जिनके अभी आधार कार्ड नहीं बने हैं या अपडेट नहीं हुए हैं। साथ ही साथ मेडिकल चेकअप की भी यहाँ पर पूरी सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें बीपी का चेकअप हो गया, शुगर का चेकअप हो गया, ये सारी चीजें चेकअप की जा रही है। ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा एक अच्छी पहल इसे बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं कि कितना उनको लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा आपको? आधार के किस लिए आई है आज? आवास के लिए आई है। कितना लाभ आवास आ जाता है, कितना लाभ होगा आपको? अच्छा, आपका अभी तक मकान नहीं बना है, कहाँ से आ रही है, क्या बना रहे हैं? आवास के लिए आई है। अगर आवास आपको मिल जाता है तो क्या अच्छा लाभ होगा आपको? क्या लगता है मिलेगा आपको? पहली बार भर रही है, ऐसे पहले भी भरी हुई है? अभी तक आया नहीं है। आधे लोग वहाँ चले गए, वहाँ पर भी वही कार्य हो रहा है, लोगों से आवास उन्होंने भरा पर अभी तक आया नहीं है, और लंबी लंबी लाइन लगा कर आप देख सकते हैं यहाँ से महिलाएं मौजूद हैं, और यहाँ पे भी कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे भी बहुत सारी कार्य किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाठवा, फोर्थ पिलर न्यूज। चढ़ गया।